सुनिए ये आदिल आदिल दुकान दुरानी की सच्चाई सुनिए आप जो लड़कियों का मैं आज माहिम दरगाह में आई हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। ये तीन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रखा है। राष्ट्रीय मोरे ने तो ये कहा कि राखी बीमार है, गेट वेल सुनकर देश को बोला मैसेज भेजो। और शर्लिन चोपड़ा और आदिल खानदुरानी जो मेरे हस्बैंड है, इन्होंने सब ने मिल के मुझे एकदम बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। तो मैं यहाँ पे माहिम पे मखदूम शाह बाबा ना उनके यहाँ पे मैं आई हूँ चद्दर चढ़ाने और दुआ मांगने आई हूँ कि मेरे सर पे जो ये शैतानों का साया है वो अल्लाह के दरबार में मेरी तरफ से दुआ करे कि ये जो शैतान लोग जो मुझे सता रहे हैं इनका साया मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए। इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, झूठ 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 का पहाड़ इन लोगों ने तीनों चारों तरफ से इन लोगों ने मेरे पे एलिगेशंस पूरा झूठ का पहाड़ इन्होंने मेरे पे डाला है। और अपनी शांति के लिए मैं यहाँ पे चादर चढ़ाने आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि अल्लाह अबा पिता जो है वो मेरे दुआ कबूल करेंगे। और जो मेरा बुरा चाहते हैं, जो शैतान तो खुद आता नहीं है लेकिन मनुष्य के अवतार में आता है, इनके अंदर आकर वो मैं एक नमाजी लड़की 5 टाइम नमाजी लड़की को, और मैं जब मैं खुदा में मैं मुस्लिम हुई हूँ और मैं नमाज में हूँ और मैं इस्लाम में हूँ, तो मुझे सताने आया है कि मैं डर के भाग जाऊं। लेकिन मैं शैतान को कहना चाहती हूं कि अल्लाह के सामने तो सब जल के राख हो जाएंगे, चाहे शैतान हो चाहे ये तीन तिगाड़ा सबका काम बिगाड़ा ये तीनों की जोड़ी हो। तो बहुत परेशान कर रहे हो तो इसलिए मैं यहां पे आई हूं। बहुत बड़ा खुलासा किया है फैजान अंसारी ने, क्या कहना चाहोगे? मैं आज सुबह मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, मैंने आज उनका इंस्टाग्राम पे अच्छा गहना वर्सेस के हस्बैंड आया नहीं, वो तो वेब सीरीज का था शूट। अच्छा तो वेब सीरीज में नहीं, वो रियल में नहीं है भाई, अभी किसी का भी हस्बैंड मत बनाओ उनको। तो आज मैंने देखा इंस्टा पे कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी बहुत ज़्यादा तहे दिल से। देश की जनता जो है आदिल खान दुर्रानी का जो भोले चेहरे के पीछे का जो शैतान है वो नहीं पहचान पा रही थी। मैसूर वालों को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि मैसूर वाले, आपको ही पता है कि 8, 9, 10 केस जो है मैसूर में दर्ज है आदिल खान दुर्रानी जो मेरे हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ। और इतनी सारी लड़कियाँ महिलाएँ हैं जो आदिल ने ऐसे अश्लील वीडियो बना के वो जो बेच रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं तो उनकी जोरू हूँ, उनकी बीवी हूँ, मेरे भी बना के भेजे हैं, वो बेच रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनका ये पेशा ही है। तो मुझे ज़रा बताएंगे, ज़रा बताएंगे मीडिया को ये क्या क्या है ये राज। देखिए आदिल खान दुर्रानी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा चेहरा ऐसा शैतान का छुपा हुआ चेहरा है जो अभी दुनिया के सामने आया नहीं है। वो सिर्फ लड़कियों को, लोगों को खाली इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। मुझे मेरे दोस्त को उसने यूज़ किया, उसने 7.5 लाख रुपए हम लोगों से लिए, उसके बाद वो अभी क्लियर मुकर रहा है कि हम पैसा देंगे नहीं, जो करते बने आप लोगों से कर लो। पहले उसने राखी को मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह माना है, बहन की तरह समझा है, और ये जिसकी भी बीवी बनी है, जिसकी भी बहन बनी है, वो खुशकिस्मती है, इंडिया की स्टार है, इतनी इज्जत मिल रही है, लोगों को वो हज़म हो नहीं रहा है। तो अभी हमने आदिल खान दुर्रानी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, आप ये देख सकते हैं पुलिस स्टेशन में केस फाइल किया है, इसमें हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, पुलिस रिसीविंग भी है नीचे, आप क्लियर देख सकते हैं, जिसमें जो हमारे चेक हैं आप देखिए, 4 लाख का चेक की कॉपी है जो आदिल खान दुर्रानी के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.5 लाख जी कैश भी अमाउंट था 7.5 लाख, जो ब्याज मिला के लगभग 15 लाख के आसपास हो चुका है। तो मेरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जितनी भी थी वो आदिल दुर्रानी ने ले ली है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के
कि ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करें, उसको सलाखों के पीछे करें, कितनी मेहनत से जिंदगी जिंदगी की मेहनत की कमाई का पूरा आदिल दुरानी ने बर्बाद कर दिया है। अब मैं उसको कोर्ट में खींच के रहूँगा, या लॉयर भी काशिम अली एडवोकेट मौजूद है। मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ आज मैं ज़िंदा नहीं होता अगर राखी नहीं होती तो। मैंने इनसे कहा साथ मिलके बात करेंगे और आदिल से बदला लेके रहेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे और आदिल दुरानी को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। वो अभी बाहर आया है, अब वो बचेगा नहीं। मेरे पास और कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास सारे प्रूफ है। पुलिस पूरा समर्थन कर रही है, आदिल को जल्दी सलाखों के पीछे करेगी, छानबीन कर रही है। आप ये देखिए, और ये जो सामने बना रहता है उसकी असलियत मैं आपको बताता हूँ। आदिल दुरानी की असलियत क्या है आप खुद पहचान जाएंगे। आवाज आ रही है गाली दे रहा है। सुनिए ये आदिल, आदिल दखान दुर्रानी की सच्चाई सुनिए आप। गाली दे रहा है जो लड़कियों का मिसबिहेव करता है, सुनिए। गाली से मालूम पड़ता है कि लड़कियों की इज्जत उसके दिमाग में। उसके बाद ये देखिए, जब पैसे का उससे बोला, पैसा पैसा नहीं है, देता नहीं। हाँ मत दो तो कभी आओगे चौकी। पैसा पैसा मेरा 7.5 लाख नहीं है मेरे पास कभी पैसा तुम्हारा। बात आओ ना चौकी में, बात करता ना चौकी। सब मुझे भेज दें। चौकी का मीनिंग क्या? देखिए अभी मैसूर से भी बहुत सारे लड़के लड़कियां निकल चुके हैं और सब लोग के मुझे कॉल आए कि हमारे भी पैसे बाकी है। इतने बहुत सारी लड़कियों ने कॉल किया कि इन्होंने मेरे वीडियोस बनाए हैं, न्यूड वीडियोस, हमें फंसाया है आदिल ने, बहुत सारा हुआ है। और राजश्री जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी 8 साल से, उन्होंने मुझे धोखा देकर आदिल के साथ हाथ मिला लिया है। और आदिल ने जो भी मेरे करीब है उन लोगों को तोड़ने की कोशिश करके मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके वो उनको मेरे खिलाफ खड़े कर रहे हैं। उन्होंने मेरे भाई जो वाहिद भाई है उनको भी तोड़ने की कोशिश की, मेरी एडवोकेट फाल्गुनी जी को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक मर्दानी है और एक सच्ची वकील है, सच्ची नागरिक है। उन्होंने कहा सत्यमेव जयते राखी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी एज ए एडवोकेट। मैंने राजश्री मैडम को कभी कोई धमकी नहीं दी। नहीं मैंने, नहीं ये सब गलत है। आप मेरे पास राजश्री के जो अगर मैंने कुछ बोला है तो आप मेरे पास सारे प्रूफ लाइए, मीडिया में, मीडिया ट्रायल में प्रूफ लाइए आप। कोर्ट में तो मैं तो 100 करोड़ का मानहानि का हमने। आप थोड़ा सा इनको जरा ले लेते हैं हमारे अंधेरी कोर्ट में जो है कंप्लेंट फाइल कर दिया है सेक्शन 509 के तहत, और हमारा 100 करोड़ का डिफेमेशन केस भी जो है वो प्रोसेस में जा चुका है पूरी तरीके से। और आगे के केस के अपडेट जो है वो कल शाम तक हमें मिल जाएगी, केस तमर भी पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हम इस चीज़ को जो है कहीं पर भी स्टॉप नहीं करने वाले हैं। हम इस चीज़ को पूरी तरीके से कानूनी एंगल पर लेके जाएंगे और हम पूरी तरीके से पूरी ताकत हमारी लगाएंगे कानूनी तौर पर और इंसाफ होने के तौर पे कि राखी को इस चीज़ में इंसाफ दिया जाए। नहीं नहीं, राजश्री मोरे ने जो गटर का शब्द यूज़ किया मेरे लिए, कुत्ता, और मैं बीमार हूँ, मेरी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, समाज को मतलब कहा कि इसको गेट वेल सुन के मैसेजेस दो, उससे मेरा इतना नुकसान हुआ है कि मेरे हाथ में 6-7 फिल्में थी, अभी 2 फिल्में रह गई है, 4 फिल्में मेरे हाथ से चली गई, वीडियोस थे, एड थी, वो सब कुछ उन्होंने मुझे उसमें से निकाल दिया है सबने। मेरे हाथ में सिर्फ एक ही वीडियो रह गया है और 4 वीडियो मेरे हाथ से चले गए, 2-4 एड थी एक ऐप की और एक और बहुत सारी 2-4 एड थी, वो भी मेरे हाथ से चली गई, तो मुझे पर्सनली बहुत नुकसान हुआ है। तो इसीलिए मैंने 100 करोड़ का डेफेमेशन जो केस है वो मैंने कोर्ट में डाल दिया है और बहुत जल्द जो है राजश्री
मोरे को नोटिस चला जाएगा, आप भेज दीजिए प्लीज़ वो नोटिस। चाहे दुकान बेचो, चाहे घर बेचो, चाहे जो बेचो, जो आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, या तो आप उसको कोर्ट में साबित करो। कोई भी मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हो, या फ़ोन रिकॉर्डिंग हो, या लिखित हो, या किसी को बोला हो, तो वो सब कुछ प्रूफ लेकर आए राजश्री मैडम। और 100 करोड़ देने के लिए आप रेडी हो जाए, क्योंकि मैंने कानून के दरवाजे खटखटाए हैं, और कानून को आप, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और आपने जो है उसको मीडिया ट्रायल किया है अपनी चिप पब्लिसिटी के लिए, अपना नेल आर्ट को पब्लिसिटी करने के लिए, चिप पब्लिसिटी लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, मेरा नाम उछाला है मार्केट में। मैं 20 साल से स्ट्रगल करके बॉलीवुड में आई हूँ, लेकिन राजश्री मोरे, शर्लिन चोपड़ा, आदिल खान दुरानी ने मुझ पर बहुत ही वाहियात और गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, और जो चीज़ें मैंने करी ही नहीं है, शादी का हो या धमकी का हो या कोई भी हो, मैंने ऐसा किसी को कोई धमकी ना दी है, और ज़बरदस्ती सारे शादियों के इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं। जो चीज़ मैंने नहीं करी है तो उसका वो सारे प्रूफ कोर्ट में भी दे और मुझे भी दे। जी बिल्कुल, मैं शर्लिन चोपड़ा पे भी FIR कर रही हूँ, और मैं आदिल पे तो और केस बनते हैं जी। बहुत सारे जी, उन्होंने वो आपको वक्त बताएगा कि कौन से सेक्शन में। आज ही वो विजिट की उन्होंने अंबोली पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस पर चार्जशीट फाइल किया जाए, और मैम के खिलाफ भी उन्होंने बोला है कि अरेस्ट की। आज मैं आपको बताती हूँ कि वो फाल्गुनी जी को इसीलिए वो लोग पीछे पड़े हैं, क्योंकि फाल्गुनी जी बिकती नहीं है। फाल्गुनी जी जो मेरी एडवोकेट है, जो के सत्यमेव जयते, जब हाँ आइए तो यहाँ पे, तो जो अच्छी नेक और सच्ची एडवोकेट है, जो उनकी बातों में चुंगल में नहीं आई है, तो उनको डरा धमकाना चाह रही है। ये लोग तीनों मिलके डरा धमकाना चाह रहे हैं और उनको तोड़ना चाह रहे हैं, मेरे खिलाफ करना चाह रहे हैं। जब फाल्गुनी जी नहीं हो रही है तो वो ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में जाके इनके खिलाफ केस कर रहे हैं। जी बोलिए फाल्गुनी। मैं जानना चाहूँगी क्या कहा शर्लिन चोपड़ा ने ऑन रिकॉर्ड, जैसे कि उन्होंने बात कि मुझे अरेस्ट कराएगी, मतलब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, नहीं उन्होंने कहा भी कि वो अरेस्ट करवाएगी जल्द से जल्द। ठीक है, अगर अरेस्ट कर सकती है पुलिस आपको, और आपकी कंप्लेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया।